सर आप फिल्म के डायरेक्टर हैं, पहले बात तो ये फिल्म का जो आज ओपनिंग हुआ है, मुहूर्त हुआ है और पूरा एकदम गांव से लेकर के मीडिया तक जामा लगा, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग ये कार्यक्रम पहले शहरों में किया करते थे, अभी गांव में आकर के कर रहे हैं। गांव के लोग आते थे, गांव के लोग न्यूज़ पे देखते थे, टीवी में देखते थे, अभी उनके बीच में हम कर रहे हैं। तो फिल्म को लेकर क्या बताना चाहेंगे, किस तरह की हो, किस जोनर की फिल्म बनने वाली है? फिल्म ये पूरी तरह से पारिवारिक है और एक सामाजिक समस्या को लेकर के जो है ये फिल्म का स्टोरी है। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं पतोहिया छोट बा, तो वो छोटी पतो है, उसी की वजह से जो घर में समस्याएँ क्रिएट होती हैं उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। स्टोरी को लेकर कुछ ज़्यादा डिटेल में बताना मैं नहीं चाह रहा हूँ, सीधे थिएटर में देखेंगे लोग। ये सच्ची घटना बताया या काल्पनिक? नहीं, ये काल्पनिक घटना पूरी तरह से काल्पनिक है, हमारे और आपके बीच में बीतने वाली घटनाएं हैं और उसी से लेकर के लिखा गया है। तो जहाँ पे आज फिल्म का मुहूर्त हो रहा है बताना चाहिए, कहाँ पे हो रहा है? और ये तो मैं पूरी तरह से नहीं बता पाऊंगा, ये नरौली गाँव है, हम बाहर के हैं, बाराबंकी नरौली गाँव में कर रहे हैं हम। और बाकी जो साथ में बैठे हैं सबको परिचय कराना चाहेंगे? बाकी ये हैं निशा सिंह जी हैं, काफ़ी पुरानी एक्ट्रेस हैं, बहुत सारी फिल्मों की किया हुआ उन्होंने, ये परिचय की मोहताज नहीं है। सागर जी भी काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, बहुत सारे इनके म्यूजिक वीडियोज हैं, कई सारी फिल्में हैं मार्केट में। और आप? मैं संतोष राय, भोजपुरी गायक, इसमें गाना मैं भी गा रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो है कि एक्टिंग करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर का परिचय? सर बोलिए ना, वो खुद बोल रहे। जतिन तिवारी सर, कलाकार। मुझे भी यहाँ पर एज एन विलन के लिए सर ने, और सर ने हम पहले भी काम कर चुके हैं, तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोग को प्रणाम। अनिल जी बात करें, पुतुहिया छोटी में फिल्म का मुहूर्त हुआ है और भव्य पैमाने हो रहा है, क्या कहना चाहें, किस तरह फिल्म बनने वाली है और क्या किरदार किया सर? ये पहले तो हम बताएंगे कि ये फिल्म बहुत बड़े पैमाने पर जाएगी, जैसे कि हम लोग गांव में मुहूर्त कर रहे हैं और शूट भी करने वाले हैं। हम लोग का 4-5 लोकेशन है और ये बहुत ही अच्छी संदेश लोगों को जाएगा, जो आज घर में छोटे छोटे हर जहां भी छोटी बहू आती है तो वहां पे उनको प्रताड़ित किया जाता है, कहीं ना कहीं उसको बहुत ही बोला जाता है लोग छोटे छोटे कह के, तो कहीं ना कहीं ये संदेश लोगों को जाएगा और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा लोगों को आएगा कि नहीं यार, छोटी पतों भी हम ला सकते हैं और इनको प्रताड़ित ना किया जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही संदेश दिया जा रहा है लोगों को। निशा मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छी स्टोरी है और विजय प्रकाश जी जो हैं जितने अच्छे डायरेक्टर हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं। आप देख ही रहे हैं कि हमारी टीम कितनी अच्छी है, तो फिल्म भी कितनी अच्छी बनने वाली है। बहुत अच्छे करेंगे एक दूसरे की टीम बना के, बहुत ही अच्छी टीम है तो अच्छा काम भी होगा ऑब्वियसली। कैसे ट्यूनिंग रहने वाले हीरो हीरोइन की? अभी देख के समझ जाइए, बहुत अच्छी, दोनों बोलने में बहुत एक्सपर्ट है, तो बहुत पटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे सर डायरेक्टर सर जो है मुरली सर, हमारे विजय सर बहुत अच्छे हैं, मतलब समझ लीजिए कि हम ये हमारे बड़े भैया हैं और हम लोग को इस हिसाब से लेके चलेंगे कि मतलब जितना आज आगे हम लोग को बढ़ाते चले। लेकिन ये लेकिन परेशान होंगे सेट पे कि दोनों हीरो हीरोइन बोलने वाले मिले बहुत ज्यादा। बाकी स्टार कास्ट कौन कौन नजर आने वाले हैं इसमें? अनूप अरोरा जी हैं, किरण जी हैं, संजय वर्मा जी हैं और विशाल जी हैं, और क्षेत्रीय लोग हैं, बाकी लोग सामने बैठे हैं। आपको पतोहिया छोटी बहू उनके बारे में क्या कहना, वो कौन किरदार प्ले करने वाली, क्या नाम है? वो ममता जी कर रही हैं, छोटी बहू का किरदार कर रही हैं और बड़ी बहू का निशा जी कर रही हैं। अपने फैंस और ऑडियंस से क्या कहना चाहिए इस फिल्म को लेकर? बस सब लोग देखें, खूब सारा प्यार दें, अच्छे से, बहुत प्यार की जरूरत है, प्यार दें, बहुत ही प्यारी स्टोरी है, तो आप लोग जरूर आइएगा। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।